आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोपर्टी से रिलेटेड, जो प्रेगनेंसी रोकने के लिए आप कोपर्टी लगवाते हैं। इससे रिलेटेड आपके जो भी सारे क्वेश्चन हैं या डाउट हैं, मैं इस वीडियो में सारे क्लियर करूंगा। तो देखो, कोपर्टी क्या होती है कि ये एक डिवाइस होती है, एक छोटा सा तार होता है जो हमारे गर्भाशय के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे गर्भाशय से एक दो नलिकाएँ जुड़ी होती हैं, उनको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, वो उनके मुँह को बंद कर देती हैं। जिससे क्या होता है कि जो गर्भाशय से होते हुए जो स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं, वहाँ क्या है, हमारा अंडा और स्पर्म दोनों मिलते हैं, उन दोनों को रोकने का काम करता है ये डिवाइस। ये डिवाइस आप 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, ब्रथ अंतराल, यानी आप चाहते हो कि 2 से 5 साल के बीच में आपके बच्चे ना हो, तो आप चाहें तो 2 साल के लिए लगवा सकते हैं, 5 साल के लिए लगवा सकते हैं और 10 साल के लिए लगवा सकते हैं। ये डिवाइस क्या करती है, इसको ब्लॉक करने के बाद में जो हमारे स्पर्म होते हैं वो क्या करते हैं, दम तोड़ देते हैं यूट्रस के अंदर। वो फेलोपियन ट्यूब यानी जो अंडा है उससे मिलने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि ये डिवाइस में कुछ हार्मोन भी होते हैं और एक कॉपर भी होता है जो क्या करते हैं, स्पर्म को मारने का काम करता है। और दूसरा क्या करता है कि इतना वहाँ फ्लूड को इतना गाढ़ा बना देते हैं कि वो स्पर्म उस दलदल में एक तरह से फंस जाते हैं और वहाँ से निकल नहीं पाते। ये डिवाइस आप कब लगवा सकते हैं, तो ये महामारी जहाँ से स्टार्ट होती है उसके 5वें दिन से लेके 10वें दिन तक आप लगवा सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ये डिवाइस नहीं लगती, आपका बच्चा जन्म लेने के बाद में आप तुरंत भी लगवा सकते हैं, पर बेस्ट रहता है 1 से 2 महीने बाद, बच्चे का जन्म के बाद भी आप इसको लगवा सकते हैं। फिर आता है कि आपको कोपर्टी लगवाने के बाद में क्या क्या सावधानी रखनी है और क्या क्या तकलीफ हो सकती है। तो फर्स्ट ये होता है कि आपको कोपर्टी लगवाने पे कुछ समय के लिए आपके दर्द रहेगा, अगर हल्का फुल्का दर्द रहता है तो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा क्रैम्प आ रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है, तो आप तुरंत हॉस्पिटल में जाके दिखाएं। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है कि थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है आपको कोपर्टी लगवाने के बाद में, थोड़ा सा स्पॉट आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, लंबे समय तक महामारी चल रही है, जैसे महामारी 4 से 5 दिन तक रहती है, आपके 10 से 15 दिन तक लगातार महामारी रह रही है, बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप ज़रूर हॉस्पिटल में दिखाएं। आपको तेज बुखार आ रहा है और कोई कंडीशन सर चकरा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप हॉस्पिटल जाके ज़रूर दिखाएँ। अगर आपने कोपर्टी लगवा ली तो आप क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं, आपको हर महीने आपको कोपर्टी को चेक करना है कि आपकी कोपर्टी आपके गर्भाशय के अंदर है या नहीं है। उससे पहले आपको एक अच्छे से हाथ धोना है, हाथ धोने के बाद में आपको उकड़ू बैठने वाली एक पोजीशन लेना है, उससे आपको एक फिंगर इंसर्ट करना है। फिंगर जब इंसर्ट करोगे तो एक आपको धागुनामा कुछ महसूस होगा, वो धागुनामा होता है, इसका मतलब आपकी डिवाइस अच्छे से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये धागा नहीं मिले तो आप क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल में जाके इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइस कई बार क्या है, बाहर भी निकल जाती है। और कोई तकलीफ हो तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। ये जो आप चेक करना है, आपको हर महीने एक डे फिक्स कर ले, चेक कर ले। इसी तरह से मैं हेल्थ नॉलेज के पर्पज़ से ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।